Hey guys, welcome back to my channel. और मैं हूँ राबिया। मेकअप जो है वो हमारे स्किन के फ्लॉज को छिपाना चाहिए, कवर करना चाहिए, ना कि उसको उभार के दिखाना चाहिए। मेकअप करने से किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत सारा प्रोडक्ट जो है अपने फेस पे थोप दिया है, या आपका परफेक्ट बेस नहीं है, या आपका जो बेस है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं लगता, अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, इन शॉर्ट आपका मेकअप बहुत ज्यादा केक ही लगता है। तो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप अपने मेकअप को, अपने बेस को परफेक्ट कर सकते हो, स्मूथ फिनिश पा सकते हो और बिल्कुल चिकनी स्किन दिखा सकते हो। कैसे? ये सारे टिप्स हैं। टिप नंबर वन, अगर आपके पास कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है तो किसका इंतजार कर रहे हो भैया, आज ही जाके ले लो। मेकअप सेटिंग स्प्रे आपकी स्किन में मेकअप को सिर्फ लॉक ही नहीं करता, बल्कि ये आपकी स्किन में मेकअप को मेल्ट कर देता है। यानी कि जो भी हेवीनेस होता है आपके फेस पे मेकअप करने के बाद, या केकी वाली फीलिंग आती है, या पाउडरी पाउडरी जैसा लगता है, तो ये सारी आपकी स्किन में अच्छे से मेल्ट हो जाती है और आपकी स्किन बिल्कुल इवन, स्मूथ और फ्लॉलेस बेस आपका दिखने लगता है, बिल्कुल परफेक्ट लगती है, नेचुरल और स्किन जैसी लगने लगती है, जो एक परफेक्ट मेकअप सेटिंग स्प्रे से ही आपको अचीव होती है। तो इसलिए सेटिंग स्प्रे इज अ मस्ट अगर आप ये सारी चीजों को एक साथ एक झटके में अवॉइड करना चाहते हो। और डेफिनेटली आप मुझसे पूछोगे कि ये कौन सा मेकअप सेटिंग स्प्रे है, तो मैं आपके पूछने से पहले ही बता देती हूँ कि NYX प्रोफेशनल मेकअप का मेकअप सेटिंग स्प्रे है, जो दो वेरिएंट में आते हैं, मैट फिनिश में और ड्यूई फिनिश में। फिलहाल मैं स्प्रे कर रही हूँ ड्यूई फिनिश वाला। 6 इंचेस की दूरी पे रखना है बस आपको, और 3 से 4 बार इसको अपने फेस पे स्प्रे कर देना है, ड्राई होने देना है। आप देख सकते हो इंस्टेंट डिफरेंस मेरी स्किन में, तो बिना हाइलाइटर के आप देख सकते हो ये मेरी स्किन में कितना ज्यादा शाइन ऐड कर दिया इसने। और अगर आप इसका उल्टा मैट मेकअप सेटिंग स्प्रे है वो यूज करोगे तो ये आपकी स्किन में शाइन को कंट्रोल करता है, ऑयलीनेस को कंट्रोल करता है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए परफेक्ट है, कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन वालों के लिए ये परफेक्ट है। तो ये मेरी नंबर वन चॉइस है गाइस, ये चीज को आप अपने पास जरूर रखें। लेकिन जो सेटिंग स्प्रे होता है वो लास्ट में होता है, उसके पहले भी आपको कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपके स्किन में आपके बेस को बिल्कुल फ्लॉलेस बना सके। जैसे कि दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी, फेस वॉश करने के बाद अपनी स्किन में टोनर लगाएं, बहुत जरूरी है। लोग मॉइस्चराइजर पे इतना स्ट्रेस देते हैं लेकिन टोनर पे बिल्कुल नहीं देते, जबकि टोनर आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता है आपकी स्किन में। जैसे कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप विनेगर और वाटर वाला टोनर अपने पास रखें, कमाल का होता है गाइस, ये कमाल का होता है। बस आपको एक बोल में लेना है 2 चम्मच विनेगर, और फिर आपको इसमें ऐड करना है 5 से 6 चम्मच नॉर्मल प्लेन वाटर की। इसको अच्छे से मिक्स करके आप एक बॉटल में भर के अपने पास रख लीजिए। अगर आपकी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन है तो आप ये करें, आप लीजिए एक बोल, इसमें डालें रोज वाटर, और थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 ड्रॉप ग्लिसरीन के ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं ऐड करना। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसको थोड़ा सा कॉटन पैड पे लेके मेकअप करने से पहले या फेस वॉश करने के बाद अपने पूरे फेस पे अच्छे से रब करें कि स्किन में हाइड्रेशन के लिए, आपकी स्किन में ड्यूइनेस के लिए। मैं विनेगर वाला टोनर लेके अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, ये आपकी स्किन में ऑयलीनेस को खत्म कर देता है, कंट्रोल करता है, आपकी स्किन से पोर्स को रिड्यूस करता है, पोर्स के साइज को रिड्यूस करता है, प्लस आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट होने के लिए हेल्प करता है। तो टोनर को आप कभी स्किप ना करें, मॉइस्चराइजर जो है वो भी जरूरी है गाइस। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने स्किन टाइप का मॉइस्चराइजर यूज करें। मॉइस्चराइजर की जो टिप है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, हर लोग करते हैं, तो मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी, आप ये करते ही होंगे। सबसे अच्छी चीज मैं आपको एक बताऊंगी कि आप अपने पास है ना कोई रोलर रख लीजिए, स्पेशली जेड रोलर, क्योंकि उसमें जो स्टोन यूज होता है ना, जो जेड, ये आपके स्किन केयर में भी फायदा देगा, आपके मेकअप के लिए भी फायदा देगा। इसको बस यूज करने से पहले फ्रिज में रखा करो, या अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं तो थोड़े से आइस क्यूब की थोड़े से पानी में डाल दो और अपने रोलर को इसमें डिप करके रखो। जब तक आप अपना फेस वॉश कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, तब तक ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा। और मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद इसको लेके अपने फेस पे रोल करो गाइस। इसके 2 बेनिफिट होंगे, एक तो ये आपके जो मॉइस्चराइजर है उसको आपके स्किन में डीपली पेनिट्रेट कर देगा, ये आपके स्किन में ना टाइटनेस देगा, कि वो जो ठंडक है ना वो आपके स्किन में ऑयलीनेस को भी कंट्रोल करेगी, शाइन को भी कंट्रोल करेगी, उसके साथ साथ आपके फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ब्लेंड होने में हेल्प करेगी। तो ये जो टिप है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको लेके आप अपने फेस पे अच्छी तरीके से रोल करें और फिर उसके बाद आप अप्लाई करें अपना फाउंडेशन। लेकिन एक छोटी सी टिप मैं आपको ये दे रही हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है, जो कुछ भी हो, एक ऑयल को अपनी स्किन में डालो। ऑयली है तो कैस्टर ऑयल यूज करो, क्योंकि ये स्किन ड्राइंग ऑयल है, स्किन को ड्राई करता है कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंड का तेल। अगर आपकी स्किन ड्राई टू कॉम्बिनेशन है तो आप बादाम का तेल यूज करो, यानी कि स्वीट आलमंड ऑयल। आपको लेना कितना है, सिर्फ 1/2 ड्रॉप, जो आपकी बॉटल होगी ना उसको इस तरह से अपने हाथ पे डालो, अपने पाम में डालो, जो भी आप ऑयल आपके हाथ में आता है उसका 1/2 पोर्शन आप इस बॉटल
में फिर से रिटर्न डाल दो और फिर जो भी बचा वो ऑयल है उसको हाथों में अच्छी तरीके से रब करो, उसको गर्म भी करो और उसको कम भी करो, ठीक है। अब लेके अपने फेस पे इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे डैप करो अपने स्किन में, उसको अच्छे से पैट करो। ये जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्के से, हल्का ही एक आधा ड्रॉप ही आपकी स्किन के लिए चाहिए, लेकिन वो इतना कमाल करेगा आपकी स्किन के लिए ना आप सोच नहीं सकते हो। इसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना, आपका मेकअप, आपका बेस, आपका फाउंडेशन, पूरा कितना भी हैवी मेकअप कर लो आपको बहुत ज्यादा परफेक्ट बेस मिलेगा। केकी फेकी तो ये सब दूर की बात हो गई, सब कुछ ये कवर होगा। बस ये ध्यान देना कि मॉइस्चराइजर आपकी स्किन टाइप का हो और फाउंडेशन आपकी स्किन टाइप का हो। तो जैसे आपकी ऑयली स्किन है, आप ड्राई स्किन वालों का फाउंडेशन यूज करोगे, कुछ भी कर लेना आपका मेकअप जो है वो केकी और बकवास दिखेगा ही। ड्राई स्किन है और अगर आप ऑयली स्किन वालों का मेकअप यूज करोगे तो 110% आपका मेकअप केकी ही दिखेगा। तो इसीलिए फाउंडेशन लेते वक्त अपनी स्किन टाइप का ही फाउंडेशन लेना। और सपोज आपका फाउंडेशन आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे ऑयली स्किन वाले कोई ऐसा फाउंडेशन यूज कर रहे जो ड्राई स्किन के लिए है, तो पहले उसको अपने हाथों पे लोगे ना तो उसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो, 1 से 2 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दो, ताकि उसका जो एक्सेस मॉइस्चर है ना वो चला जाए। लेकिन ये सिर्फ तभी करोगे जब आपकी स्किन टाइप के अनुसार आपका फाउंडेशन नहीं है, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि उसको फिर आपकी स्किन में ब्लेंड करने के लिए आपको तकलीफ होगी, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर ही निकल जाएगा तो आपको केकीनेस वाली उल्टा फीलिंग आने लगेगी आपको। तो ये टिप को आप जरूर आजमाना, लेकिन अगर आपका स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन नहीं है तभी अप्लाई करना, ठीक है। अब ब्लेंड करने के लिए आप जो ब्यूटी ब्लेंडर ले रहे हो उसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपने ब्लेंडर को अपने नल के नीचे लेके खड़े हो जाते हैं और बस इस तरह से कर लेते हैं और सोचते हैं कि अपना ब्यूटी ब्लेंडर जो अच्छे से सोख हो गया। नहीं गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर की खासियत तब आती है जब आप उसको पानी में सोख करोगे। और अच्छी टिप मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप हल्का सा गर्म पानी लो सोख करने के लिए भी। गर्म पानी लोगे ना और अच्छे से आपका फाउंडेशन ब्लेंड होगा। हल्का गर्म पानी लीजिए अपने ब्यूटी ब्लेंडर को, इसमें अच्छी तरीके से डाल दीजिए और बबल्स आने तक वेट कीजिए। जब बबल्स आना कम हो गया या खत्म हो गया तो उसको लेके अच्छे से निचोड़े, फिर से पानी में डाले, फिर से बबल्स आने दे, फिर निचोड़े, इससे ऐसे 1 से 2 बार करें, बस दैट्स इट। और उसको ना अच्छे से निचोड़ना बहुत जरूरी है, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसको लेके आप अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करें। गाइस, जो मैं फाउंडेशन फिलहाल अभी यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो फुल कवरेज वाला फाउंडेशन है, मैट फाउंडेशन है। तो ये मेरी स्किन में सोचो कितना ज्यादा केकीनेस वाली फीलिंग देना चाहिए या पाउडरी वाली फीलिंग देना चाहिए, मेरी स्किन में बहुत ही ज्यादा हैवी दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी जब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये मेरी स्किन में ब्लेंड हो रहा है। कि हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ड्राई स्किन होती है या क्लॉक पोर्स होते हैं, एक्ने होते हैं, पिंपल्स होते हैं, उसके बावजूद ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ और परफेक्ट बनाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये सारे टिप्स को आप जरूर आजमाएं और फिर मैं अपना बाकी का मेकअप भी करके आ जाती हूँ उसके साथ में ही। और उसके बाद गाइस, मेकअप सेटिंग स्प्रे डेफिनेटली अप्लाई करें, यूज करें। मतलब ये मेरी पहली टिप है और मैं आखिरी टिप में भी इसको कहूंगी कि आप इसको यूज करें। इसको स्प्रे करने के बाद आपको कई घंटों तक आपको टचअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इसका प्रूफ बताती हूँ। जैसे कि ये एक हाथ पे मैं अपना लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ और कुछ आई शेडो उसमें अपने अप्लाई कर रही हूँ, और सेम दूसरे हाथ पे मैंने वही लिपस्टिक और वही आई शेडो अप्लाई किया है। एक पे मैं ये सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, 1 2 3, ठीक है। इसको अच्छे से मैं ड्राई होने दे रही हूँ, सेट होने दे रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने सेटिंग स्प्रे को बिल्कुल भी स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ इसको सूख जाने दो। जब ये सूख जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा, अब आप इसको देखो, स्मज हुआ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हो कितना आसानी से ये सारी चीजें स्मज हो गई है। गाइस, ये फायदा होता है एक अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे का, ये आपके मेकअप को सेट नहीं करता, सिर्फ लॉक ही नहीं करता, लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं बनाता, मेल्ट कर देता है आपकी स्किन में वो हेवीनेस, वो पाउडरी वाली फीलिंग, वो केकी वाली फीलिंग को बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इसीलिए अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे पे इन्वेस्ट करें, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है, आपके बजट में आएगा। इसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, 875 के अराउंड है, लेकिन नायका पे डिस्काउंट के बाद में आपको तकरीबन 700 के अराउंड मिल जाएगा, तो और भी ज्यादा डिस्काउंटेड है। और सबसे अच्छी बात, ये वेगन और क्रुएल्टी फ्री है, और इसको सिर्फ आप मेकअप सेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, इसको आप एज अ प्राइमर यूज कर सकते हो। आई शेडो करने से पहले अगर आई शेडो ब्रश पे आप इसको डालोगे तो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड आपको मिलेंगे आपके आई शेडोज, और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी आपके आई शेडोज भी। और इसको अगर आप अपने आईब्रो ब्रश पे स्प्रे करोगे और अपने आईब्रोज को सेट करोगे ना, आपके आईब्रोज तस से मस नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएंगे। तो वैसे था मेरा आज का वीडियो। लास्ट वीडियो के गिव अवे के विनर्स मैंने इस वीडियो में अनाउंस कर दिए हैं, तो चेक कर लीजिए। और इस वीडियो में भी गिव अवे जारी है, तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे चैनल्स को, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। कंडीशन सारे नीचे मैंने मेंशन कर रखी है। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।